ध्यान से समझो बेटा, आज बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें समझाने वाला हूँ, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने बेटा समझ लिया था सिंचाई, सिंचाई के लाभ है ना, अधिक सिंचाई से क्या नुकसान होता है, कम सिंचाई से क्या नुकसान होता है, ज्यादा पानी हो जाएगा तो क्या होगा, सिंचाई होती क्या है, सिंचाई की विधियां क्या होती हैं, ये सब हमने कवर कर लिया है। अभी आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो फसल से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि ना केवल ये आपके सिलेबस के लिए बल्कि ये आपके जीवन में अगर आप किसान हैं तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है खरपतवार। क्या होता है खरपतवार और क्या होता है खरपतवार नाशी। आपने अगर खेती किया होगा है ना, अगर आपने खेती किया होगा तो आपने मान लो आपने गेहूं बोया, एकदम छोटी सी परिभाषा, खरपतवार किसे कहते हैं। तो खरपतवार किसे कहते हैं, जब किसी खेत में या जब किसी विशेष क्षेत्र में फसल के अलावा या फिर जिन पौधों को हमने बोया है उसके अतिरिक्त यदि कोई दूसरा पादप उग जाता है उसे कहते हैं बेटा खरपतवार। यानी कि फसली क्षेत्र में या फसल में फसल के अलावा, फसली पौधे के अलावा उगने वाला अतिरिक्त पादप, अवांछनीय पादप जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं खरपतवार। ना केवल ये उगते हैं बल्कि ये आपके फसल को क्या करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। गांव में एक लैंग्वेज, एक भाषा इस्तेमाल की जाती है जिसको कहते हैं ये धाय मार रहा है। इसका मीन क्या है कि भैया धात मार रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि उस वाले पाद, जो बड़ा वाला जो दूब है, जो घास है, आपने देखा होगा कि अगर कोई बड़ा सा पेड़ है उसके नीचे आप फसल नहीं उगा सकते, क्योंकि उससे पहले ही वो सारे पोषक तत्वों को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। सेम काम बेटा क्या है, खरपतवार का है। मान लीजिए ये हमारा खेत है, ये हमारे फसलीय पौधे हैं, पौधे पे कोई कमेंट नहीं होना चाहिए है ना, ये मान लीजिए हमारे फसलीय पौधे हैं। अब मान लो इनके अलावा कोई पादप और इसमें क्या हो गया, उग गया। इनके अलावा कोई और जो पादप उगेगा बेटा वही हमारा क्या कहलाएगा, यही है बेटे खरपतवार। खरपतवार क्या काम करते हैं बेटा खरपतवार, तो पहली चीज तो ये बेफजूल के खेत में उगे हैं, दूसरी चीज आप जो कुछ भी जैविक खाद हो जाए या फिर कुछ भी आप जो अपने पादप के लिए देंगे, जो कुछ भी आप अपने फसल को देंगे उसका अधिकांश भाग यही क्या कर लेते हैं बेटा, अवशोषित कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और प्रकाश संश्लेषण के समय भी है ना, प्रकाश की किरणों को, हालांकि किसी के लिए बाउंडेशन नहीं है है ना, इसके फलस्वरूप जो भोजन बनता है उस भोजन को भी ये क्या करते हैं, पादप से ले लेते हैं। ना केवल, बात समझ में आ रही है, तो आप जो पोषक पदार्थ देंगे उसे भी ये ले लेंगे, साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण में बाधा भी बनेंगे। यानी कि सब मिलाकर आप यूं कहे है ना, सीधी सी बात है, सब यूं मिला के कहें ये ऐसे पादप हैं जो हमारे फसली पौधों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार समझ में आया कि वे पादप जो फसली पौधे के अलावा अतिरिक्त खेत में उग जाते हैं और फसली पौधे के पोषण को भी छीन लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं बेटा खरपतवार। अब बात आएगी सर तो करें क्या इनके लिए, तो बेटा जी बहुत सारे टॉपिक हैं है ना, बहुत सारे पॉइंट हैं, कैसे खरपतवार को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं है ना। तो बेटा अब आप कहोगे सर दो तीन नाम बता दीजिए खरपतवार के, तो बेटा आपने अभी देखो जैसे बथुआ आप उसका इस्तेमाल तो कर लेते हो, लेकिन अब आपके वो काम, हाँ हालांकि हम क्या हैं, हम भाई गांव वाले हैं, हम हर चीज का इस्तेमाल करना जानते हैं है कि नहीं। खरपतवार के लिए हम क्या करेंगे है ना, तो हम बथुआ वगैरह जो उग जाता है उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, हम एक भाषा एक एक घास का इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए नहीं करते, जो आप अपने खेत के आसपास देखते हो जो देखने में पालक जैसा लगता है उसे कहा जाता है बेटा जंगली चौलाई। बात समझ में आ रही है, दूब आपने देखा होगा, घास आपने देखा होगा जो आपके खेतों में उग जाती है, लेकिन बेटा
ये क्या है, ये है खरपतवार, इनका हमारे फसली पौधे से कोई लेना देना नहीं। अब कहोगे सर हम उसे उखाड़ के लाते हैं, जानवर को खिलाते हैं, तो बेटा अगर आप उखाड़ के लाते हो, काट के लाते हो, खिलाते हो तो आप अच्छा करते हो, लेकिन आपके फसल के साथ वो क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। वो आपने अपने फसली पौधे को जितना भी पोषण दिया उसका अधिकांश भाग उसी ने ले लिया। बात समझ में आई, तो खरपतवार समझ में आ गया, वे पादप जो फसली पौधे के अतिरिक्त हमारे खेत में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, उन्हें कहते हैं खरपतवार। बातें समझ में आई, आगे समझे, अब समझते हैं बेटा खरपतवार नियंत्रण के बारे में, खरपतवार को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, है ना, खरपतवार को हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, तो कई विधियां हैं, है ना, हम कई तरीके से खरपतवार को अपने खेत से हटा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है पहली विधि, तो पहली विधि यह है बेटा, जब कभी भी आप अपने खेत के पास जाओ, आसपास खेत में जाओ, तो एक बार खेत देखने जरूर जाओ, है ना। जाने से क्या फायदा होगा, पहली चीज तो खेत भी देख लेंगे, नुकसान क्या हो रहा है, फायदा क्या हो रहा है वो देख लोगे, सेकेंड आप देखोगे कि क्या कोई अवांछनीय पादप, कोई खरपतवार तो हमारे खेत में नहीं ना उग रहा है। याद रखेंगे इनका इम्यून सिस्टम, खरपतवार जो होते हैं इनमें रोग प्रतिरोधकता अपार मात्रा में पाई जाती है। अगर आप ये सोचोगे कि अब की बार तो उखाड़ के फेंक दिया, अगर उसका एक भी बीज आपके खेत में रह गया तो अगली बार वो फिर उगेगा, और अगर वो एक बार फूल लग गया, बीज लग गया, तो बहुत सैकड़ों की संख्या में उसके बीज होंगे, आपके पूरे खेत को क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। जब आप अगली कक्षाओं में जाओगे, एक घास होती है जिस घास का नाम होता है बेटा गाजर घास, जिसे हम इंग्लिश में पार्थेनियम कहते हैं, वो काफी तेजी से फैलने वाली घास है, जो भारत में केवल गेहूं के माध्यम से आई थी, जब हमने दूसरे देशों से गेहूं खरीदा उसके साथ ये घास आई और आज पूरे भारत में फैल गई, है ना। तो खरपतवार काफी तेजी से फैलते हैं, इनमें रोग प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा पाई जाती है, कम पानी कम पोषक तत्व में ये फल फूल जाते हैं। बात समझ में आ रही है, तो नियंत्रण में बेटा पहला टॉपिक क्या करेंगे, तो जब आप खेत के आसपास जाओ, अगर खरपतवार आपको दिख रहा है तो हाथ से क्या करो, उखाड़ लो। हाँ, आपका खेत बहुत विशाल है, हस्त निराई में आप सक्षम नहीं है, आप घर के अकेले हो या लगता है कि आप ये नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए कई विधियां हैं, लेकिन पहली विधि हम समझते हैं बेटा हस्त निराई। हस्त माने हाथ से जाएं, कुछ ऐसे खरपतवार जब कम मात्रा में है तो घूमते टहलते जाएं बेटा, और क्या करें, उन खरपतवारों को अपने खेत से क्या करें, हाथों से निकाल दें। जब हाथों से निकालेंगे, जिसे आप निराई कहते हो उसे हस्त निराई, फसलों को खरपतवार को खेतों से निकालना क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। जब हाथों से निकाला जाता है उसे कहते हैं बेटा हस्त निराई। तो पहला खरपतवार नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, हस्त निराई करके, हाथों से उन खरपतवारों को निकालकर हम अपने खेत को क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ खेत को साफ करना मतलब फसली पौधे को साफ नहीं करना है, केवल खरपतवार को ही साफ करना है, और आपका जो पौधा होगा आपको खुश कर देगा, उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जितनी आपने अपेक्षा की थी उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। अगर खरपतवार है तो आपकी उम्मीद से कम भी हो सकता है। बात समझ में आ गई बेटा, हस्त निराई समझ में आ गई। दूसरा है बेटा यंत्रों द्वारा, यंत्र किसे कहते हैं, पहला टॉपिक आएगा ना यंत्र, मशीन क्या है, तो वे वस्तुएं जो हमारे काम को क्या करे, आसान बना दें, वे वस्तुएं जो हमारे काम को आसान बनाएं वो कहलाते हैं यंत्र, है ना। जैसे आप एग्जांपल एक साइकिल से ले लो, एक पेन ले लो, एक नेल कटर ले लो, यहां से लेके एक जहाज तक की बात करें, ये सभी क्या हैं, यंत्र हैं। क्या है बेटा, यंत्र जो हमारे काम को क्या करे, आसान बनाए। अगर नेल कटर नहीं होता तो नाखून कैसे काटते, दांतों से काटते, आसान होता नहीं, ना होता, पकड़ लेता कोई तो मारता अलग से। जो गंदगी है, जो कचड़े आपके नाखून में फंसे रहते, इसीलिए कहा जाता है ना शारीरिक सफाई बहुत जरूरी है, है ना, दांतों से ना काटे, नेल कटर बना हुआ है तो वो क्या है, यंत्र है। यंत्रों के द्वारा निराई क्या कहलाती है भैया, यंत्र निराई कहलाती है। कभी कभी कुछ ऐसे पादप होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो हाथों से नहीं उखड़ते, तो हम उनके लिए यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। एक चलता फिरता उदाहरण जो आपके घर पे भी मौजूद होगा, जिसका नाम है बेटा खुरपा,
है ना, जो चीज नहीं उखड़ती हम क्या करते हैं, खुरपे से मारते हैं, कट के निकल जाता है, या पूरी गहराई तक खुदाई करके उसके आसपास खुदाई करके हम उसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यंत्रों द्वारा एक और यंत्र है जिसका किसान भाई आजकल काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है हैरो। वो क्या काम करता है, वो है ना जो खरपतवार होते हैं उन्हें जड़ से निकाल देता है। तो दो विधियां हमने समझा, पहला हस्त निराई, दूसरा क्या था बेटा, दूसरा यंत्रों द्वारा खुरपा, है ना, समझ में आ रही बातें ना, खुरपा द्वारा हैरो द्वारा भी हम खरपतवार को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है, बहुत ज्यादा मात्रा में खरपतवार हो गए तो हम क्या करेंगे, रासायनिक पदार्थ, आप जिसको कहते हैं चलो दवाई मरवा देते हैं खेतवा में, है कि नहीं, तो दवाई का मतलब क्या है, वो रासायनिक विधि है, वो रासायनिक निराई है, उसमें हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार के रसायनों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले क्या किया जाता है, पता किया जाता है कि इस पादप की कमी क्या है, किस चीज से ये पादप खरपतवार ये क्या होगा, नष्ट होगा, उसका एंटीडोट बनाया जाता है, उसका प्रतिजैविक बनाया जाता है रसायन, उसी रसायन को क्या जाता है उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है और वो क्या हो जाते हैं बेटा, नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके खेत में अलग अलग खरपतवार हैं तो एक ही प्रकार का रसायन छिड़क देंगे, नहीं, हर पादप के लिए अलग अलग रसायन बने हुए हैं। आप जाएंगे दुकानदार के पास, वो आपको दे देगा, आपको अपनी समस्या बतानी होगी कि मेरे खेत में ये वाला पादप अधिक मात्रा में, ये खरपतवार बहुत अधिक मात्रा में उग गया है, वो आपको दे देगा, आप उसका छिड़काव कर दीजिए और वो क्या हो जाएंगे, पादप समाप्त हो जाएंगे। तो ये है बेटा रासायनिक निराई। अगर आप चाहें तो आप कहेंगे 2.4 है ना, 2.4D हमें दे दीजिए, जो हम क्या करेंगे, ये क्या है बेटा, 2.4D क्या है, 2.4D क्या है, ये है बेटा एक रासायनिक पदार्थ जो क्या काम करता है, खरपतवार का नियंत्रण करता है। ये टॉपिक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ और जबरदस्त टॉपिक। तो बेटा अगला टॉपिक क्या है, फसल संरक्षण। किसानों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है, हम क्या करते हैं, फसल उगा तो लेते हैं लेकिन हम उसकी सुरक्षा करना एक बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी होती है। जैसे अभी देख रहे हैं आवारा पशु है ना, हमारे खेतों में आप देखो गाय वगैरह जो बैल हैं जो अब छोड़ दिए जाते हैं खुले से, है ना, खुले में छोड़ दिए जाते हैं, वो हमारी फसलों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। टिड्डा, चूहे, पक्षी, है कि नहीं, ये सभी क्या करते हैं, अब तो एक चला है बंसुअरा, ये तो अलग ही जीव बना है भाई, है ना, ये हमारी फसलों को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो इन्हीं से हमें क्या करना है, फसलों को बचाने की क्रिया क्या कहलाती है, फसल संरक्षण कहलाती है। हम क्या करते हैं, अगर मान लो जंगली पशु हैं तो हम क्या करते हैं, कटीले तार अपने मेड़ के चारों किनारों पर क्या करते हैं, कटीले तार बांध देते हैं ताकि वो क्या करे, जानवर कोई हमारे खेत में ना सके, पहली सिचुएशन। अब कहोगे सर टिड्डा के लिए भी है ना, तो टिड्डा वगैरह, टिड्डा हो गया, चिड़िया हो गया, तो उनके लिए हम बिजूका खड़ा करते हैं, जिसको आप डरावना कहते हो, नहीं देखते का रंग के शर्ट पैंट पहना के इसे खड़ा कर देंगे, उसे देख के चिड़िया डरती हैं। आजकल की चिड़िया भी डेंजर हैं, वो जाके चेक करती हैं कि बोलता है कि नहीं बोलता है, एक बार उसी के ऊपर बैठ जाएंगी, चेक करेंगे, अगर हिल डुल रहा है तब कहेंगे हाँ ये ओरिजिनल आदमी है, वरना आएंगे तो एक मिल जाएगी, उड़ के सबको बता के चलाएगी भैया कि ना ना तो उल्लू बना रहा है, आके खा जाएंगे। टिड्डा बहुत खतरनाक जीव है भाई साहब, किसान को सबसे ज्यादा नुकसान यही पहुंचाता है, ये मतलब बाल, अगर जहां से बाल लगे ना बेटा, नीचे से काटेगा पूरी की पूरी बाल गायब कर देगा। मैंने आपको चाइना के राजा की कहानी अगर सुनाई होगी तो वो आपको याद होनी चाहिए, किस प्रकार से चाइना में 2 से 2.5 करोड़ लोग मर गए थे उस राजा की बेवकूफी की वजह से, है ना, जिसने पक्षियों को मारने का आदेश दिया हुआ था बेटा, है ना। तो फसल संरक्षण समझ में आ गया, फसलों को पीड़कों से बचाना क्या कहलाता है, फसल संरक्षण, जिसमें कटीले तार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, तार बांध सकते हैं हम, बिजूका लगा सकते हैं हम, है ना, अलग अलग के यंत्रों का इस्तेमाल, थाली वगैरह पीट के भी हम जानवरों को क्या करते हैं, भगाते हैं, चिल्ला के, है ना, गुलेल वगैरह का भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं चिड़ियों को मारने के लिए, हालांकि बेटा ना मारा करें, है ना, हर जीव एक समान है। फिलहाल तो पहला टॉपिक क्या है बेटा, पीड़क पर नियंत्रण। अब कहेंगे सर पीड़क क्या होता है, पीड़क बेटा वह वे जीव जो हमारी, है ना,
पीड़क माने जो पीड़ा जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? पीड़क कहते हैं। क्या कहते हैं? पीड़क। वे जीव जो हमारे क्या करते हैं, जो हानिकारक जीव हैं, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें हम पीड़क के नाम से जानते हैं। जैसे चूहा, आपने देखा होगा फसलों को नुकसान पहुंचाता है, बड़े बड़े ढेर मिट्टी के ढेर लगा देते हैं, काट काट के फसलों को वो मिट्टी के ढेर लगा देते हैं। कीट, कीट की पहचान तो आप जानते हैं बेटा, जिसमें दो पंख हो है ना और छह पैर यानी कि तीन जोड़ी पैर हैं, वो क्या है? कीट है, है ना। टिड्डा, ये सभी क्या है? कीट है, जो हमारी फसलों को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। हमें अपनी फसल को इनसे भी बचाना होता है। टॉपिक समझ में आया? आगे समझे तो कहेंगे सर कैसे बचाएं? तो बेटा पहले पीड़क नाशी है ना, सबसे पहले पीड़कों को नाश करने वाली दवा, पहले पीड़कों को नाश करने वाली जो दवा है जिसका नाम है पीड़कनाशी है ना, मेथियान है ना। क्या नाम है भैया इसका? मेलाथियान। क्या काम करती है? देखो जब कोई जीव होता है ना, ये जो कीट वगैरह होते हैं ज़्यादातर अंडे देते हैं, चूहे को छोड़ दो है ना, तो ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं और अंडे में, अंडे के बाद इनकी एक अवस्था आती है जिस अवस्था का नाम बेटा होता है लार्वा। मैंने नीचे लिखा हुआ है लार्वा। लार्वा क्या होता है? जैसे मनुष्यों में होता है कि बच्चा भ्रूण के अंदर ही बन जाता है, गर्भाशय के अंदर, इनमें ऐसा नहीं होता, ये अपने लार्वा को अंदर छोड़ देते हैं, इसमें बहुत सारे अंडे होते हैं और आगे चल के ये हजारों की संख्या में क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। तो जो ये मेलाथियान होता है, जब आप ये छिड़केंगे तो ये लार्वा अवस्था में ही क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे और ये फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। सेकंड बेटा कीटनाशी, कीटकों को मारने के लिए भी है ना, कीटों को मारने के लिए भी हम क्या करते हैं? विशेष प्रकार की दवाओं का छिड़काव करते हैं फसलों के ऊपर, ताकि कीट उसका भक्षण नहीं कर सके। फॉर एग्जांपल अगर आप जानना चाहते हैं, डिस्टन एक ऐसी दवा है जिसे छिड़कने से कीट आपके फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम महाकाल वगैरह, फाइडाल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, बदबूदार रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि है कि नहीं, ताकि जो पीड़क हैं वो हमारे खेतों तक ना आए, बदबू आएगी। गमकसीन जिसे आप कहते हो, इसका आप इस्तेमाल करोगे ताकि आस पास कोई नहीं आए जानवर, लेकिन जानवर तो जानवर ही है, वो पहुंच जाते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं बेटा। चूहे नाशी है ना, चूहा जो नुकसान पहुंचाता है। अब बताओ पहले एक चीज इस्तेमाल हम लोग करते थे बहुत पहले, अब तो लगभग गायब सी हो गई है, जिसे हम कहते थे चूहेदानी। चूहे को पकड़ने के लिए बीच में रोटी लटकाई जाती थी, चूहा उसे खाने जाता था, उसमें बंद हो जाता था। लेकिन भाई एक दो चूहे हो तब ना हम ये वाली विधि अपनाएं। अब हमारे खेतों में बहुत सारे सैकड़ों हजारों की संख्या में जो चूहे हैं उन्हें मारने के लिए भी हमें क्या करते हैं? हम चूहे नाशी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है? वारफेरिन नामक रासायनिक पदार्थ है, इससे चूहे को मारा जा सकता है। चाइना वगैरह में इसका अलग ट्रिक निकाले हैं, वो हर्ट जैसे एक आवाज आती है ना, आप मूवी वगैरह देखते हैं तो चीख करके आवाज आती है ना बहुत तेज, हर्टस की जो चूहे के कानों में लगती है, जब वो उस आवाज को तेज करके बजाते हैं है ना, उनका क्या करते हैं, उसका वो विपरीत, जैसे मूवी वगैरह देखते हो नागिन को जिस प्रकार से बीन की आवाज पसंद नहीं होती है, वो अपने असली रूप में आने लगती है, उसी प्रकार से चूहे जब इस विशेष प्रकार की ध्वनि को सुनते हैं तो वो क्या करते हैं, उस खेत से क्या कर जाते हैं? भाग जाते हैं। कुछ लोग थाली बजा के भगा लेते हैं, है कि नहीं, कुछ लोग चिल्ला चिल्ला के चिड़ियों को ऐसे कहते हैं हा हा करके भगा देंगे, तो सब लोग अपने अपने तरीके क्या करते हैं, अपनी फसलों को बचाते हैं बेटा। तो ये था बेटा आपका एक बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसे हमने समझ लिया। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और जबरदस्त और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।